वृंदावन के भीतर एक वृंदावन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपने कभी सोचा है कि मीराबाई, संत हरिदास जी, जनाबाई, कर्माबाई, ये सब लोग शरीर छोड़ने के बाद कहां जाते हैं, कहां गए होंगे? वहीं वृंदावन में। पर वृंदावन में कहां, ये आज मैं आपको बताता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वृंदावन के भीतर ही है अप्रकट वृंदावन, बिल्कुल वृंदावन जैसा, जहां बांके बिहारी का मंदिर है, राधा रमन का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, राधा वल्लभ का मंदिर है, सब कुछ वैसा ही जैसा वृंदावन में। फर्क है तो सिर्फ इतना कि वहां जब आप बिहारी जी के मंदिर में जाओगे तो बिहारी जी साक्षात बैठे होंगे और आपसे बात करेंगे। राधा रमन के मंदिर में जाओगे तो राधा रमन साक्षात आपके सामने होंगे। वहां कुछ भी माया नहीं है, सब कुछ जीवित है, साक्षात है। पर वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था और सच्चा प्रेम। एक घटना बताता हूं आपको, अद्भुत घटना, ध्यान से सुनिएगा। संत हरिदास जी के बाद बिहारी जी की सेवा करते थे बिहारन देव जी महाराज, ठाकुर जी की निज सेवा करते थे। जब ठाकुर जी को इत्र लगाते थे, ठाकुर जी की मालिश करते थे, ठाकुर जी से हमेशा कहते थे कि हे बिहारी जी, हे मेरे ठाकुर, मुझे अप्रकट वृंदावन देखना है, मुझे एक बार उसका भ्रमण करवा दो, मुझे अप्रकट वृंदावन देखना है। जब भी सेवा करते बस मन में यही भाव होता कि हे ठाकुर जी, अप्रकट वृंदावन देखना है, एक बार दिखा दो। तो एक दिन बिहारन देव जी महाराज सुबह भोर में यमुना किनारे घूम रहे थे, दातुन कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण जपते रहते थे, ठाकुर जी का नाम भजते रहते थे, अत्यंत प्रेम था ठाकुर जी से। नेत्र बंद हुए, जैसे ही नेत्र बंद हुए वो पहुंच गए अप्रकट वृंदावन में और वहां देखते हैं कि ठाकुर जी और राधा रानी रास रचा रहे हैं। वहां सब कुछ जीवंत है, अद्भुत दुनिया है, ठाकुर जी के सभी प्यारे वहां है, ठाकुर जी साक्षात वहां है, राधा रानी साक्षात वहां है। वो सच में वो वृंदावन घूम रहे थे जो ठाकुर जी का वृंदावन है। वो वृंदावन इसी वृंदावन में है, अप्रकट वृंदावन। वहां सिर्फ सच्चे भक्त पहुंच पाते हैं, सच्चे प्रेमी पहुंच पाते हैं, वो ठाकुर जी को साक्षात देखते हैं। इस भाव में, इस वृंदावन में घूमते घूमते आनंद में थे, प्रेम में थे, मन की इच्छा पूरी हो गई थी, ठाकुर जी को साक्षात देख लिया, राधा रानी को साक्षात देख लिया, उसके बाद बाकी क्या बच जाता है? साधारण नहीं है, बड़ा असाधारण है। हर किसी के वश में नहीं है ठाकुर जी को देखना। बिहारन देव जी महाराज की इच्छा पूरी की थी ठाकुर जी। इधर जब उनके नेत्र खुले तो 3 दिन बीत चुके थे, चारों तरफ लोग खड़े थे, बिहारन देव महाराज जी के मुख से खून बह रहा था, लोगों ने पानी के छींटे मारे, पानी डाला, वैद आए, हर तरीके से लोगों ने अपने आप उनको उठाने की कोशिश की थी, लेकिन 3 दिन बीत गए थे। बिहारन देव महाराज उठते ही बोले मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, इतने लोग क्यों इकट्ठा हो गए, क्या बात हो गई, क्यों परेशान? तो लोगों ने कहा कि 3 दिन हो गए बेसुध पड़े हुए हो आप, 3 दिन से बिहारी जी का मंदिर नहीं खुला है, मंगला नहीं हुई है, कोई आरती नहीं हुई है, ठाकुर जी का मंदिर नहीं खुला है, 3 दिन हो गए आपको इस तरह से पड़े हुए, सांसें चल रही है लेकिन आप उठ नहीं रहे हो, कब से उठा रहे हैं आप? जब ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं तो शरीर की किसको आवश्यकता होती है, शरीर तो वैसे भी बेसुध हो जाता है जब अपने बिहारी जी के दर्शन कोई करता है, और बिहारन देव महाराज जी तो साक्षात दर्शन कर रहे थे, ठाकुर जी साक्षात मिल रहे थे।
बिहारन देव महाराज जी ने बताया कि मैं अप्रकट वृंदावन में था, मेरे ठाकुर के पास था, राधा रानी के पास था। मैं ठाकुर जी से मिलने गया था, ठाकुर जी ने मेरी इच्छा पूरी की। 3 दिन तक बाके बिहारी के मंदिर के द्वार बंद रहे, क्योंकि 3 दिन बिहारन देव महाराज ठाकुर जी के पास रहे, राधा रानी के पास रहे। दोस्तों, वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं, अद्भुत जगह है, प्रेम से परिपूर्ण है। वहां जाकर लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी रहते हैं वहां। हमेशा हमने सुना होगा कि मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष कहां है, बैकुंठ। जैसे लोग कहते हैं ना कि काशी जाओगे वहां मृत्यु होगी तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन जो वृंदावन में अपनी सांसें छोड़ेगा, जो ठाकुर के प्रेम में अपनी सांसें छोड़ेगा, ठाकुर के ध्यान में अपनी सांसें छोड़ेगा, चाहे वो कहीं भी, वो सीधा अप्रकट वृंदावन में जाएगा, सीधा ठाकुर जी के पास जाएगा। राधा रानी को इस धरती पर आना नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी को आना था। और जब राधा रानी को आना था, राधा रानी ने अपनी व्यवस्थाएं की, क्योंकि राधा रानी तो बैकुंठ में रहती। तो राधा रानी ने कहा कि मैं धरती पर जाऊंगी तो मुझे तो मेरा बैकुंठ प्यारा है, मुझे बैकुंठ ही चाहिए। बैकुंठ में यही गोवर्धन पर्वत है, बैकुंठ में ऐसे ही यमुना जी बहती है, बैकुंठ में ठाकुर जी रहते हैं। वृंदावन तुलसी का वन, तो तुलसी का वन है बैकुंठ में, जो इस धरती पर कहीं नहीं है। निधिवन में जो पेड़ आप देखते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ वहीं है। तो राधा रानी के आने से पहले वृंदावन बनाया गया, ठाकुर जी ने बनाया वृंदावन, क्योंकि राधा रानी वहीं रहना चाहती थी। तो वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, वृंदावन बैकुंठ है, बैकुंठ धरती पर उतारा गया। वृंदावन जाने के बाद कहीं जाने की जरूरत रहती नहीं है, जब आप वृंदावन चले जाते हैं तो आप बैकुंठ चले जाते हैं। इसीलिए लोगों का दिल वहां रह जाता है, शरीर वापस आता है। जब सच्चा प्रेम करोगे, सच्ची आस्था होगी, सच्चा विश्वास होगा, तो आप यकीन मानना आप भी अप्रकट वृंदावन में जाएंगे ठाकुर जी के दर्शन करने, ठाकुर जी से मिलने, और उसके बाद कुछ बाकी बचता ही नहीं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।